आप सभी भाइयों की बहुत ही ज्यादा डिमांड हो रही थी कि Vivo V29e का कैमरा टेस्ट करके दिखाओ, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे लोकेशन के ऊपर और आपको आज हम कैमरा टेस्ट करके बताएंगे Vivo V29e का। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है कि यार हमें Vivo V29e कैमरा के लिए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो इस वीडियो के अंदर आज आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यार जितनी अच्छी Vivo V29e की डिजाइनिंग है उससे कई गुना ज्यादा आज मौसम अच्छा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस अच्छे से मौसम के अंदर आपको कैमरा टेस्ट करके दिखाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के मैं आपको जल्दी से कैमरा टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं आपको कुछ कैमरा के फीचर्स भी बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे फोटोज का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड का भी ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे पोर्ट्रेट के अंदर आप अच्छी खासी यहाँ पे फोटो ले सकते हो, बलर को कम ज्यादा कर सकते हो, यहाँ पे आपको अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे स्टाइल को चेंज कर सकते हो और भी यहाँ पे फिल्टर्स वगैरह अच्छे यहाँ पे अलग अलग करना चाहो तो आसानी से कर सकते हो। और यहाँ पे नाइट मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, जब भी आप मतलब रात को फोटो क्लिक करो तो नाइट मोड के अंदर करना, यहाँ पे पीछे अंधेरा वगैरह भी रहता है तो काफी ज्यादा उजाला हो जाता है। और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो 1080 60 FPS के अंदर ही हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, आप देख सकते हो। और अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर भी हमें 1080 30 FPS पर ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। और यहाँ पे मैक्रो मूवी का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको, यहाँ पे अगर आपको मतलब किस चीज़ के पास में से यहाँ पे फोटोज वगैरह वीडियोज वगैरह बनानी है तो भी आप आसानी से बना सकते हो। और मोर के अंदर आपको हाई रेजोल्यूशन पेनो डॉक्यूमेंट स्लो मोशन यानी कि रील्स वगैरह बनाना चाहते हो, टाइम लैप्स सुपर मून एंड प्रो, और यहाँ पे डबल एक्सपोजर का भी ऑप्शन मिल जाता है, ड्यूल व्यू यानी कि फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा से साथ में भी आप फोटो क्लिक कर सकते हो, लाइव फोटो भी इसके अंदर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो जिससे आपको पता चल जाएगा कि फोटो आप क्लिक करते वक्त क्या मतलब हलचल हो रही थी। तो ये थे कुछ कैमरा के फीचर। तो ये जो वीडियो आप देख पा रहे होंगे ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 1080 30 FPS के अंदर, क्योंकि इसके अंदर 1080 60 FPS नहीं मिलता है तो 4K की तो हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो यार यहाँ पे 26,000-27,000 रुपए के अंदर यहाँ पे 4K का ऑप्शन नहीं मिलता, ना ही बैक कैमरा के अंदर ना ही फ्रंट कैमरा के अंदर 1080 30 FPS के अंदर हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और वीडियो की जो क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे पता चली रही होगी कि यार वीडियो की क्वालिटी अगर हम फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाना चाहते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हैं तो कैसी यहाँ पे वीडियो बनती है वो आपको अच्छे से अंदाजा हो गया होगा। तो ये आप जो वीडियो देख पा रहे होंगे ये हम बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसके अंदर आपको पता होगा 1080 के अंदर हम 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अंदर हमें 4K का ऑप्शन नहीं मिलता है पर 1080 के अंदर यहाँ पे क्वालिटी तो ठीक दिख रही है, आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो। पर प्राइस के हिसाब से आप देखोगे तो यार क्वालिटी थोड़ी सी यहाँ पर मतलब यार 4K का ऑप्शन मिल सकता है इस प्राइस के अंदर। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा दौड़ के दिखाता हूँ आपको, मतलब अगर यहाँ पे स्टेबलाइजेशन वगैरह का कंट्रोल करना है तो ये मैं दौड़ के दिखा रहा हूँ आपको, अंदाजा हो जाएगा कि यार स्टेबलाइजेशन इसका कैसा है। तो मैंने काफी सारी फोटोज क्लिक की जो कि मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि इसका कैमरा कैसा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये पोर्ट्रेट के अंदर फोटो दिखाना चाहूंगा क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे चश्मे के पास देखोगे यहाँ पे पता चल रहा है कि ब्लर हुआ है और यहाँ पे बाल भी देखोगे यहाँ पे थोड़े बहुत ब्लर हो चुके हैं। फोटो अच्छी है पर यहाँ पे ब्लर का पता चल रहा है कि यह ब्लर हो रहा है, तो यार इतनी ज्यादा प्राइस के अंदर मेरे हिसाब से ये चीज नहीं होनी चाहिए। और ये नॉर्मल देखोगे यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्या डिटेल है इसकी, तो यहाँ पर ठीक है, हम इस फोटो को ठीक कह सकते हैं। और इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे मैं उसको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे स्किन टोन की यहाँ पे आप देखोगे पूरी स्किन चेंज हो चुकी है और ब्लर का भी आप देखोगे शर्ट के पास में से यहाँ पे ब्लर का पता चल रहा है। तो वैसे तो मतलब फोटो ठीक है पर आप प्राइस देखोगे ना तो प्राइस के हिसाब से यार फोटो इतनी अच्छी नहीं लग रही है। देखिए यहाँ पे आप जब भी जूम करोगे तो नॉर्मल फोटो रहेगी या ब्लर के अंदर, ये देखिए पूरा यहाँ पे चेंज हो चुका है, आप देख सकते हो स्किन पूरी चेंज हो चुकी है। जबकि मैं ओरिजिनल आपको स्किन दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ इस तरह की है, जैसे ये देखिए कुछ इस तरह की स्किन थी और उसको पूरा यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। और भी यहाँ पे फोटोज वगैरह दिखाऊं, ये देखिए ये मैं ये दिखाता हूँ आपको एक फोटो, ये देखिए ये फोटो देखिए ये मैंने 2x जूम के अंदर क्लिक किया, ठीक है। इसके अंदर 2x जूम भी देखने को मिल जाता है, इसके अंदर बहुत अच्छी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। देखिए ये आप चिंटी देख पा रहे होंगे, बहुत ही छोटी दिख रही थी पर यहाँ पे फोटो के अंदर ऐसे लग रहा है कि बहुत ही बड़ी चिंटी है, तो यहाँ पर इसके अंदर बहुत अच्छी खासी डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाती है, ये मैंने 2x जूम के अंदर क्लिक किया है। और अल्ट्रा वाइड के अंदर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकती हूँ यहाँ पे अल्ट्रा वाइड के अंदर मतलब फोटो तो अच्छी आती है, एरिया अच्छा खासा कवर हो जाता है पर जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है वो थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है, जबकि लाइट अच्छी खासी थी फिर भी यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा ब्लैक हो जाता है, डिटेल्स इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती। आप जूम करोगे तो ये देखिए डिटेल्स एकदम फट जाती है। तो यहाँ पर यार 27,000 रुपए के अंदर ऐसा कैमरा मेरे हिसाब से इसको सुधारा जा सकता था, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था। We'll be right back.
तो आपको पता तो चल ही चुका होगा कि Vivo V29e का जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है वो कैसा है। और अगर मैं मेरा रिव्यू आपको दूं कि यार इस प्राइस के अंदर ये कैमरा आपके लिए सही है या नहीं है, तो इसकी प्राइस है 27,000 रुपए। अगर आपका प्लान है कि यार मुझे सिर्फ और सिर्फ कैमरा के लिए एक अच्छा खासा मोबाइल फोन चाहिए जिससे मैं अच्छी खासी फोटोग्राफी कर सकूं या फिर मैं वीडियोस वगैरह बना सकूं यूट्यूब के लिए, तो ये फोन मैं आपके लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। क्योंकि अगर आप वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हो तो यहाँ पे 27,000 रुपए के अंदर आपको 4K का ऑप्शन नहीं मिलता है, जबकि आप अदर ब्रांड के अंदर जाओगे तो 27-28 हजार रुपए के अंदर आपको एक अच्छा खासा कैमरा का फोन मिल जाएगा जिसके अंदर आपको फ्रंट कैमरा भी 4K के अंदर मिल सकता है। तो इसके अंदर तो आपको पता होगा फ्रंट कैमरा के अंदर हम 1080 FPS पर ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वीडियो वगैरह कैसी बनती है वो मैंने आपको दिखाई दी। और यहाँ पे पोर्ट्रेट के अंदर फोटोज वगैरह देखोगे वो भी इतने अच्छे नहीं आते प्राइस के हिसाब से, क्योंकि ये जो फोटोज आपने देखी है या आपको जो यहाँ पे 20-21 या 19-20 हजार रुपए के मोबाइल फोन आते हैं उनके अंदर भी देखने को मिल जाता है। यार हम जो भी वीडियोस बनाते हैं वो कोई भी प्रमोशन वीडियोस नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि हम आपको अच्छा ही बताएंगे, जो मोबाइल के अंदर रहता है वही हम आपको बताने की ट्राई करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यार किसी भी भाई के एक्स्ट्रा पैसे लग जाए। तो ये था हमारा होनेस्ट रिव्यू, अगर आपको पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और आप अगर इस मोबाइल को खरीदना चाहते हो तो वो है इसकी डिजाइनिंग, आप डिजाइनिंग के लिए इसको जरूर खरीद सकते हो। और अगर चैनल पर आज पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप ऐसी कोई भी यूजफुल वीडियो जो आती है उसको मिस ना कर पाओ। मिलता हूं मैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।